नमस्कार, राम राम। कैसे हैं किशन भाइयों? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। किशन भाइयों, आज तारीख हो चुकी है 6 अक्टूबर 2024। दिन आज हो चुका है रविवार का। जानेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में प्याज के रेट क्या चल रहे हैं, कैसी क्या प्याज के भाव को लेकर स्थिति बनी हुई है और आपको का कैसा क्या माहौल देखने को मिल रहा है, और जो प्याज के भाव चल रहे हैं क्या इससे हमारे किशन भाई संतुष्ट हैं, और आने वाले समय में प्याज के भाव क्या कुछ रह सकते हैं। सारी बातों पर चर्चा करेंगे आज की वीडियो में किशन साथियों। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पर पहली बार हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं प्याज के भाव का अपडेट डालूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे किसान मित्रों तक पहुंचे। तो चलिए किशन भाइयों, जानेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में इस समय प्याज के भाव क्या है। तो सबसे पहले किशन भाइयों, अगर हम वर्तमान समय की बात करें दिल्ली आजादपुर मंडी में प्याज के भाव क्या चल रहे हैं, तो किसान साथियों बहुत ही प्याज के भाव ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में। जो भी हमारे किसान भाइयों के पास अभी प्याज स्टॉक लगा हुआ है, लगभग उनको अभी जो है 15 से 20 दिन तक जो है प्याज के भाव यही देखने को मिलते रहेंगे। किसान भाइयों, अगर आपका प्याज VIP क्वालिटी का है, कलर पत्ती बढ़िया है, साइज बढ़िया है, कोई भी दाग धब्बे की शिकायत नहीं, आज भी जो है दिल्ली आजादपुर मंडी में आपको 40 रुपए से लेकर 45, 46, 47 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज के भाव देखने को मिल रहे हैं। और किसान भाइयों, जानेंगे अब जो है दिल्ली आजादपुर मंडी में आज के प्याज के ताजा भाव का अपडेट। किसान भाइयों, आज की बात करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज की पोजीशन में अगर प्याज के भाव की चर्चा करें किसान साथियों, तो इस समय दिल्ली आजादपुर मंडी में अगर हम सबसे हल्की क्वालिटी की बात करें तो किसान साथियों 35 रुपए से लेकर 38 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, और जो एवरेज क्वालिटी का माल है उनकी पोजीशन की बात करें 40 रुपए से लेकर 41 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, और जो सुपर क्वालिटी माल है उनकी पोजीशन दिल्ली आजादपुर मंडी में 42 रुपए से लेकर 45, 46 रुपए प्रति किलो के हिसाब से देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, बात करेंगे प्याज के भाव को लेकर कि आगे प्याज के भाव क्या कुछ रहेंगे। किशन भाइयों, जैसा कि जो है बरसात के कारण जो है साउथ में कुछ फसलें खराब हो चुकी हैं, अभी जो है साउथ से प्याज स्टार्ट नहीं हुआ है और पीछे भी जो है मंडियां टाइट हैं, तो ऐसे आप अनुमान लगा के चलिए प्याज के भाव अगर आप लोगों को मिलेंगे तो ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। लाल किशन भाइयों, 25 रुपए से लेकर 30, 35 रुपए तक जो है प्याज के भाव आप लोगों को आगे चल के जरूर देखने को मिलेंगे। किशन भाइयों, अब बात करेंगे किसान भाइयों के जो है दिमाग में प्याज के भाव को लेकर क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है, क्या कुछ माहौल बनता नजर आ रहा है, तो उनसे बहुत सी जानकारी मिली है किसान भाइयों। किसान भाइयों को जो प्याज के भाव इस समय मिल रहे हैं मंडियों में वो ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, और जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक लगा हुआ है लगभग 15 से 20 दिन तक जो है प्याज के भाव यही देखने को मिलते रहेंगे। और किसान भाइयों, जब देखते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में सोमवार को मंडी खुलेगी, तब देखते हैं प्याज के भाव का कैसा क्या माहौल बनता है, कैसी क्या चमक देखने को मिलती है, और प्याज के भाव ऊपर में कहां तक क्या रहते हैं। और किसान भाइयों, अगर हम आवकों की बात करें तो आवकें जैसा कि धीरे धीरे घटती जा रही हैं, मध्य प्रदेश की भी जो है अब आवकें घट चुकी हैं और महाराष्ट्र की भी जो है आवकें घट चुकी हैं, सिर्फ जो कर्नाटक और NCF और नेफेड का जो प्याज पहुंच रहा है दिल्ली आजादपुर मंडी में, उसी के चलते जो है कुछ ठीक ठाक आवकें देखने को मिल रही हैं। वैसे तो अब जो है आवकें भी जो है धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। और किसान भाइयों, आने वाले समय में जो है हमारे प्याज के किसान भाइयों को हो सकता है प्याज का भाव ठीक ठाक और देखने को मिले। बहरहाल किसान भाइयों, दिल्ली आजादपुर मंडी में जो पोजीशन प्याज की बनी हुई है वो ठीक ठाक बनी हुई है। अभी हमारे किसान भाइयों को 35 रुपए से लेकर 45 रुपए प्रति किलो के बीच में प्याज के भाव देखने को मिल रहे हैं। तो किसान साथियों, ये थे दिल्ली आजादपुर मंडी से प्याज के आज के ताजा भाव का अपडेट जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो और चैनल के माध्यम से दिया। वीडियो और जानकारी हमारी पसंद आए, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करें, लाइक के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान मित्रों तक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।